तो ऑलरेडी गाइज भैया की जो है बाइक जो है ख़राब हो गई थी, और इसी की वजह से जो है मैंने उनको थोड़ा धक्का मारा और तभी जाके मैं उनको यहाँ पर लेके आया था। अब ये इसमें यार पता नहीं चल पा रहा है कि चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। पहुँच चुका हूँ, सराय का रेखा पार हो चुका हूँ, क्योंकि भैया की गाड़ी पर धक्का मारा था तो वीडियो ऑन नहीं कर पाया। तो धक्का मारते समय थोड़ी ताकत लग रही थी, मैंने कहा कहीं यार चोट लग जाए, कहीं गिर गिरा जाए, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पे बारापुला रोड की तरफ से निकलूंगा, और सीधा अगर जब जाएंगे तो ये है महारानी बाग लाजपत नगर को। और आजकल महारानी बाग लाजपत नगर साइड में काफ़ी जाम है क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है। दिल्ली में तो आप जानते ही हैं हर जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं और फिर भी जाम होता है। और अभी आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर, अभी एक घंटे के बाद देखना, आप आधा घंटे के बाद देखना यहाँ पर नज़ारा कैसा होगा। यहाँ पर बहुत ही भयंकर नज़ारा मिलेगा आपको, यहाँ पर जाम मिलेगा यहाँ पर। और इसीलिए लोग जो समझदार होते हैं वो पहले ही आधा घंटा निकल जाते हैं, और कुछ समझदारी मेरे को भी आ गई है और मैं भी आधा एक घंटा पहले निकल जाता हूँ ताकि अपना जाम से जूझू ना और अपना टाइम पर निकल जाऊँ। तो ये है बारापुला रोड गाइस। बारापुला रोड के बारे में सभी लोग जानते हैं, 2010 में जब राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे तब ये पुल बना गया था। तो करीब 6 महीने ये पुल आम आदमी के लिए बंद रहा था और केवल जो VIP एंड एम्बुलेंस के खोला गया था। जब ये पुल पास हुआ उसके बाद फिर ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो इसकी दूरी है यहाँ से लेकर महारानी बाग से लेकर एम्स हॉस्पिटल तक 5 या 7 किलोमीटर। तो लगभग अगर आप 50 की स्पीड से जाते हैं तो मात्र 10 मिनट या 15 मिनट में आप इसको पार कर जाते हैं, और अगर इसमें कहीं पर ब्रेक लग जाए या गाड़ी ख़राब हो जाए तो फिर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। और ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एक जिक्र किया था, तो ये रुक जाता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये है गुरु हरकिशन हॉस्पिटल, तो ये गुरुद्वारा भी है और एक हॉस्पिटल भी है। आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल ट्रैफिक कम है एकदम, नोएडा से भी ट्रैफिक इसी में आता है तो यहाँ से ऊपर को इसी पुल पर मिल जाता है। तो आप जब देख रहे हैं इसको, मैं जूम दिखाऊंगा आपको, तो ये है गुरु हरकिशन हॉस्पिटल। अगर किसी भाई लोगों को किसी का भी अगर डायलिसिस चल रहा हो, भगवान ना करे किसी का हो ऐसा, अगर किसी का हो कोई मजबूर है तो वो डायलिसिस के लिए यहाँ पर आ सकता है, एकदम फ्री सेवा है और बहुत ही अच्छा इलाज होता है यहाँ पर। और गुरु हरकिशन में और गुरुद्वारा भी है और हॉस्पिटल भी है, तो इनका जो सरदारों का कोई एक संस्था है वो उन्होंने हॉस्पिटल बना रखा है, और तो यहाँ पर डायलिसिस फ्री में होता है और आ सकता है। 100 बेडों की यहाँ पे हॉस्पिटल है और आप एक बार यहाँ भी आ सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान ना करे किसी को ऐसी स्थिति आए, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो किडनी से जूझ रहे हैं और वो काफ़ी परेशान हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, एक बार आजमाएं ज़रूर यहाँ पर आके। और बाकी यहाँ पर देखो दोनों रोड जब यहाँ पर ज्वाइंट होता है तो तब जाके यहाँ पर थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि लेफ्ट से भी इसमें आता है और राइट से भी ट्रैफिक आता है, तो यहाँ पर थोड़ा हल्का बस। अब यहाँ पर आधा घंटे के बाद देखना कोहराम मच जाएगा और जाम की स्थिति हो जाएगी, और फिर यहाँ पर एक तरफ का सिग्नल खोल दिया जाएगा, एक तरफ का फिर बंद किया जाएगा। तो ये है बारापुला रोड की स्थिति, चूँकि 2010 में यह बनाया गया था। काफ़ी अच्छी रोड है, और अगर आपने धौला कुआँ एम्स हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो इसी रोड का प्रयोग सभी करते हैं और आप भी कर सकते हैं। बस यहाँ तक इसमें थोड़ा सा बनी रहेगी, उसके बाद ये फ्री, अगर कोई गाड़ी ख़राब होगी तब जाके इसमें जाम की स्थिति बनी रहती है, वरना ये रोड बहुत अच्छी रोड है और शॉर्टकट भी है काफ़ी, बहुत ही बढ़िया। तो 2010 में यह रोड बनाया गया था और ये बना हुआ है ठीक नाले के ऊपर, इसके नीचे गंदा नाला है और ये नाले के ऊपर बनाया गया है, तो बहुत ही बेहतरीन। तो चलते हैं और थोड़ा सफ़र आप भी कीजिए म्यूज़िक के साथ। सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं पूरा कितना मस्त, और आजकल वैसे भी हरियाली काफ़ी है पेड़ों में क्योंकि बारिश हुई थी बीच में, लेकिन जितनी बारिश यहाँ पर होनी चाहिए उतनी बारिश तो यहाँ पर हुई नहीं है। कई लोगों को जल्दबाजी भी होती है, और वाकई में होती भी है यार, किसी को जल्दबाजी भी होती है जिसको जल्द पहुँचना हो, और वैसे भी इसमें एम्बुलेंस भी आती है। गाइस जो है उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हूँ,
और हो सके 10 तारीख 11 तारीख या फिर अगले महीने या इस महीने के लास्ट में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो कुछ क्योंकि मेरे पास सारी वीडियो ख़त्म हो गई हैं और मुझे वीडियो बनानी है और उत्तराखंड में कहाँ जाऊँगा या हिमाचल में कहाँ जाऊँगा तो वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा था गोप्रो का और माइक की, जो मैंने अब ले चुका है और अब मेरे पास 3 कैमरे हो गए हैं। तो एज ए कैम जो कैमरा है उसको मैं बेचूंगा नहीं, वो भी मेरा काम आएगा, वो मेरे यहाँ आगे के लिए काम आएगा, जिसमें आवाज़ नहीं आती वो यहाँ काम आएगा मेरा। और बाकी ये जो गोप्रो है ये ब्लॉगिंग का तो काम आएगा ही आएगा और माइक का उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो है आवाज़ अच्छी आ रही होगी। और ये है कोटला गांव, जो साउथ एक्स के बगल में जो कोटला गांव है वो है, ये पूरा गांव है और यहाँ भी पूरा फ्लैट बन चुके हैं। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और क्योंकि यार मेरे ना वीडियो में व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो नीचे जो लाल रंग का जो लिखा हुआ आता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, लिखा हुआ आता है वहाँ पे, उसके बगल में एक घंटी होती है, तो घंटी पर अगर आप टच करेंगे तो टच करते ही उस पर लिखा हुआ आता है कि ऑल, तो उस पर ऑल पर टिक कर दीजिए आप, ताकि जो भी वीडियो आएंगे आपके उसमें नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आपके उसमें आएगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट करें। और वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसका वीडियो क्लियरिटी कैसी लगी और आवाज़ कैसी लग रही है, तो यह आपने ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर भी यार इस पुल के नीचे ना गुजरने में अलग सी फीलिंग आती है, जैसे पहाड़ों में जा रहे हों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है जाम, ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि 17 सेकेंड का यहाँ पर बत्ती है, तो इसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रेड लाइट होती है और उसके से जाम है। तो मिलते हैं आपसे आगे और पहले मैं यहाँ से निपट लूँ। तो गाइस जो है इसी यहाँ पर जाम लगता है, बस एक तो यहाँ पर रोड खुदी हुई, यहाँ पर बन रहा है सबवे, तो सबवे के कारण यहाँ पर जो है थोड़ा जाम लग रहा है। और बाकी ये सबवे अगर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद फिर जाम की स्थिति बंद हो जाएगी यहाँ पर। तो पहुँच चुका हूँ एम्स के पास, वाह तो है ना ये रोड बहुत बढ़िया, बारापुला। तो ये बारापुला रोड में अगर जाम ना लगे तो बहुत बड़ा है, बारापुला रोड 9 बजे के बाद बेकार है, 9 बजे के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी जाम लगा रहता है यहाँ पे, तो उस समय यहाँ पर आना बेकार है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने आना ही है तो आप 1 घंटा पहले निकल जाएँ घर से बस, तो वो सबसे बेटर रहेगा। तो मुझे भी सामने वाली रोड पर चढ़ना है, तो यहाँ से घूमूंगा और लेफ्ट लूँगा, सामने है सफदरजंग राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर है तुम्हारा यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल। तो बहुत जल्दी पहुंच गया यहाँ पे और ये जो टर्न आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार। दिल्ली में सबसे पहले जो है आर्किटेक्ट ने यहीं पर बनाया था ये चौराहा, जहाँ पर दायां बायां ऊपर नीचे कहीं भी गाड़ियाँ आना जाना रुकता नहीं है, और ये पहला चौराहा है शायद दिल्ली के अंदर जो बनाया गया था ये। तो पहुँच चुका हूँ गाइस सफदरजंग हॉस्पिटल के ठीक सामने और यहाँ पर आज कुछ रोड की थोड़ा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। तो ये है हाईवे, नेशनल हाईवे 8 रोड, सामने जो है भिकाजी कामा प्लेस और क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है, वाह 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 वेरी ब्यूटीफुल नज़ारा। और अब तो इस गोप्रो में तो और ही मज़ेदार दिखाई दे रहा होगा। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं अपने
ऑफिस की पार्किंग में, और यहाँ पर है पार्किंग हमारी। और अच्छा सफ़र रहा, उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ भी अच्छी आई होगी और वीडियो भी अच्छी बनी होगी और आप पसंद करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, आप बताएंगे कि मुझे आवाज़ अच्छी आ रही है, क्लैरिटी भी अच्छी है। तो गाइस वीडियो करते ही पे समाप्त और जाते अपने ऑफिस को, तो फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।